आर मौर्या चैनल में स्वागत है। झुंझुनी पढ़ना या झंझनाहट फील करना, दोस्तों कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने जीवन में इस प्रॉब्लम से कभी न कभी घिरा ना हो। हर किसी को किसी भी टाइम, चाहे वो छड़ी हो या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार अगर झुंझुनी आती है, झंझनाहट पड़ने लगता है, चाहे हाथ में पैर में, तो अक्सर पड़ने लगता है या वो लंबे समय तक पड़ता ही रहता है। दोस्तों आज हम समझते हैं कि ये झुंझुनी क्यों पड़ जाती है और झुंझुनी पड़ना तुरंत ठीक हो गया क्या एक साधारण है, या इससे बहुत सारी बीमारियां या बहुत ही खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे, झुंझुनू से शुरू करते हैं और फिर इसका अंत करेंगे कि आखिर इसको ठीक कैसे किया जाए और कारण कितने होते हैं, क्या क्या ऐसे कंडीशन होते हैं शरीर का या ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये झुंझुनी पड़ती है, झंझनाहट फील होता है। तो दोस्तों अगर झंझनाहट की बात करें, झुंझुनी की बात करें, तो जब तंत्रिका तंत्र दबी हुई होती है, जैसे आप किसी पोजीशन में कभी सो जाते हैं तो क्या करते हैं कि अपने हाथ का तकिया बना लेते हैं और उस पे नींद आ गई तो लंबे समय तक सो जाते हैं, तो वहाँ की जो नर्व है वो दब जाती है, वो कंप्रेस करने लगती है और आगे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ जो खून का दौरा है ना, वो बंद हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, कम हो जाता है। इसी को कहते हैं कि ये एक तरह का, जब आपका पोस्चर चेंज हो जाता है तो ये कुछ समय का इस तरह का झंझनाहट होता है, कारण होता है कि जब आपके तंत्रिका तंत्र में दबाव पड़ जाता है। या आपने ये भी महसूस किया होगा कि कभी कभी आप देर तक पालथी मार के बैठे रहते हैं या पैर को ऊपर नीचे करके बैठे रहते हैं, देर तक सफर करते हैं जो पैर को उठा करके ऐसे लटका कर बैठते हैं। तीन सारे कारणों से कहीं ना कहीं ये आपकी झुंझुनी आती है और सबका एक ही रीजन है। रीजन क्या है कि आपका नर्व कंप्रेस करिए, यानी तंत्रिका तंत्र पे दबाव पड़ रहा है, और जैसे ये दबाव रिलीज होता है, जैसे आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं, पैर को हटा लेते हैं या खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, तो क्रमशः ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उस समय आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब झुंझुनी आपको पड़ी रहती है, वहां पर आप नुकीला चीज, अगर हम कहें कि निडिल को भी हल्का सा आप प्रेस करते हैं, हाथ से प्रेस करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर मेरा पैर है किधर। तो दोस्तों इसका भी कारण होता है कि वहां पर चूंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो मांसपेशियां होती हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। यही कारण होता है कि हमें वहां पे सुन्न पड़ जाना या सूनापन हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि कोई नुकीली चीज हमें गड़ा रहा है या हम अपने पैर को छू रहे हैं, हाथ को छू रहे हैं। इसके साथ न्यूरोपैथी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या तो नर्वस न्यूरोपैथी हो या तो फिर बहुत तरह की बीमारियों के कारण टॉक्सिक न्यूरोपैथी हो या तो फिर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, अगर विटामिन की कमी होती है तब भी आपके हाथ पैरों में झंझनाहट आता है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो ये पैरों में झंझनाहट बढ़ता है, सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को हाथ पैर दोनों में झंझनाहट होता है, तो उसका भी कारण होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसा मैंने बताया कि न्यूरोपैथी हो सकता है या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है। जब आपके डायबिटीज कई सालों से होती रहती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, तो ऐसे क्रम में ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसको ये डिस्टर्ब करती है, जो हमारे नर्व होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होती है, उस पे बहुत ही गलत इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण वो या तो सिकुड़ जाती हैं या तो उनमें किसी तरह का वहां पे डिजीज हो जाता है और वो क्षति ग्रस्त हो जाती हैं। ये वजह हो जाता है कि आपको झंझनाहट हाथ पैर दोनों में पड़ता है। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, जैसे हम बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ साथ तो एक बीमारी होती है जिसको रेनाल्ड कहते हैं, या तो कार्पस टनल
सिंड्रोम, ये भी कारण हो जाता है कि आपको ये झुनझुनी पड़ेगी, और ये क्रम क्रम से पड़ेगी, या कभी सडेन पड़ेगी, या कभी देर समय तक पड़ेगी, ये पड़ती रहती है। क्योंकि जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो वो सिर्फ लिटिल टाइम में नहीं होता, वो कई बार 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 होता रहता है। तो दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर ये झुनझुनी पड़ती है बैठने से उठने से, आपको पता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसकी दवा आप ले रहे हैं, लेकिन अगर 7 डेज से 1 सप्ताह से ज़्यादा अगर झंझनाहट आपके चाहे हाथ पैर या हाथ कहीं पर भी हो रहा है, तो आप डॉक्टर को तुरंत कंसर्न कर लें, डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और एक दिन अगर आप इसको देखेंगे नहीं, केयर नहीं करते हैं या अलर्ट नहीं होते हैं, तो आपको बड़ी बीमारी हो सकती है। बीमारियों में मैं बताऊं तो आपका हाथ पैर सूना पड़ने लगेगा, या तो कमजोर पड़ने लगेगा, आप कोई चीज उठाने में बहुत अच्छे से आप उठा नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं अंगाघात का भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब दोस्तों, अगर आपको आगे वीडियो चाहिए कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण है और महिलाओं में बहुत अधिक होता है, तो मैं बता दूं, आगे मैं वीडियो अगर आप कमेंट्स करेंगे जरूर बनाऊंगी। जो आपके ये पंजे होते हैं, तो इसकी उंगलियां दर्द करने लगती है या सूजन आ जाती है, रात में ज्यादा ही दर्द होती है, सुबह जब आप काम करते हैं तो थोड़ा कम होने लगती है। तो या तो इधर की 3 उंगलियां बहुत दर्द करेंगी या 2 उंगलियां दर्द करेंगी, तो यही होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसके कारण भी आपको झुंझुनी पड़ सकती है, आपके हाथों में झंझनाहट हो सकती है। ये बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ कुछ और बीमारियां हैं, जैसे अगर आपको किडनी की बीमारी है, आपको लीवर की बीमारी है, या आप बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं, या आप बहुत ज्यादा दिन से कोई दवा खा रहे हैं, उसका भी साइड इफेक्ट पड़ता है, तब भी झंझनाहट होता है। लेकिन ये चूंकि आपको पता रहता है कि हमें बीमारियां हैं, हम दवा खा रहे हैं, तो ये आप तुरंत ठीक कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर दवा दे देंगे, ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो साधारण बार बार आपको झुंझुनी पड़ती है, तो ज्यादातर मामले होते हैं कि, या जो छड़ी खोता है, तो मैंने ऊपर ही बताया कि या तो आपका तंत्रिका तंत्र में दबाव पड़ा हुआ है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, आपके पोस्चर कुछ देर तक गलत थे, या आप सो गए थे, आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो अवरोध हो गया था, या दूसरी चीज होती है दोस्तों कि जब आपके शरीर में विटामिन B1, B2, B6, B12 की कमी होती है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपको झंझनाहट फील होगा, आपको झुंझुनी पड़ जाएगी। तो ऐसे में B12 के हम जांच करा लेते हैं, अगर कमी रहती है, महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उसका हम या तो कुछ दवा देकर, या तो आप जानते हैं कि हमारे डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लेकर के, ये जो विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में B1 से लेके B12 तक हो रही है, उसमें B9 बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए, हमारे तंतुओं के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जो ये हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ये हमारे ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक होता है, हमारे शरीर की पूरी जितनी गतिविधियां हैं, इसीलिए इसको कहते हैं तंत्र। मतलब ये रिमोट है कि आप चल रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करना है। कोई चीज आप जैसे चुभा लेते हैं तो आपको कैसे पता चलता है, इसकी भी सूचना देता है। आपके पैर जल गए, या कहीं बहुत धूप लग रही है, या आपको बहुत ठंड महसूस हो रही है, ये सारी चीजें आपको यही सिस्टम ही मैसेज देता है, तब आप जानते हैं कि हमें हो क्या रहा है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए इसे खुराक के तौर पे विटामिन E और विटामिन B1 से लेकर B9, B6, B12, ये सारे विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, साथ में कैल्शियम, साथ में प्रोटीन, मैग्नीशियम, ये तो आप जानते हैं, मिनरल्स पड़ती है। लेकिन जब बी
12 की डिफिशियंसी होती है, B9 की डिफिशियंसी होती है, आपके शरीर में कमी होती है, तो आपको झुनझुनी बार बार पड़ती है, जिसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे डाइट में बताऊंगी जिससे आप अपने झुनझुनी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, तुरंत आप क्या करें, जैसे आप बैठे हैं, सडन आपको बहुत ज्यादा झुनझुनी पड़ गई, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप सीधे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें, तो तुरंत आप अपने झंझनाहट को रिलीज करने के लिए तेल के वहीं पर पैर के तलवे से लेकर ऊपर तक सीधा मालिश करिए कुछ देर में, क्योंकि वो सर्कुलेशन में बार बार बता रही हूँ कहीं ना कहीं अवरोध हो जा रहे हैं, तो उससे तुरंत वहां पर आपकी जो झुनझुनी है वो कम हो जाएगी। अक्रमशः 5 मिनट के अंदर आप पूरी तरह से झुनझुनी को ठीक कर सकते हैं। साथ में आपको दूध में हल्दी जरूर लेना है, क्योंकि ये ठंड का जो मौसम होता है, तो इसमें आप ये भी फील किए होंगे, महसूस किए होंगे कि ज्यादा झुनझुनी पड़ती है। कारण यही होता है कि वहां पर जो हमारे सिस्टम है, जो नर्व है, वो कहीं ना कहीं काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। कारण है कि इस समय ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, इसलिए झुनझुनियां पड़ती रहती है इस 3 महीनों में ज्यादा से ज्यादा। तो आप दूध के साथ आप ले सकते हैं हल्दी, जिसको आप रेगुलर कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर विटामिन की कमी है, तो विटामिन या तो आप कैप्सूल विकासूल से लेकर के जो नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, जो कंप्रेशन को कम करने के लिए दवाएं होती हैं, उनमें से आप ले सकते हैं। ये दवाएं हैं, आप ले सकते हैं प्रेगी बॉलिन, ले सकते हैं आप टैबलेट नीरोका D75 mg एक बार लेते हैं। बहुत सारी डाइट में मैंने बताया कि आप मीट से लेके सलाद तक ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप ऐसे सब्जियों का चयन करें जो बहुत गहरी हरे रंग की होती है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 होता है। तो दोस्तों, इस समय आप सरसों के साग, आप पालक के साग की बात करें बहुत अधिक होता है, बथुए का साग, आप मेथी का साग, ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्तेदार सब्जियां हैं, और ब्रोकली, क्योंकि वो भी गहरा हरा रंग होता है, तो ब्रोकली में भी ये बहुत सफिशियंट मात्रा में विटामिन B12, B9, B6, B1, 2 मिलता है, तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। साथ में आप अगर दूध और दूध से बनी कोई भी डाइट लेते हैं, कोई भी आप खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो उसमें बहुत ही उच्च कोटि का विटामिन ई और विटामिन B1 से लेकर B12 तक होता है। साथ में आप जानते हैं प्रोटीन भी होता है। तो जितने जैसे आप पनीर, दही, दूध, और अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें घी का इस्तेमाल कोशिश करिए कि गाय के घी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि भैंस का अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, तो उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए गाय का जो घी होता है वो मेडिकेटेड होता है, उससे ना ही आपका वेट बढ़ता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ना ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है। सिर्फ आपको वो ठीक करने का काम करता है, आपके शरीर को स्ट्रांग करने का काम करता है। तो आप ये सारी चीज ले सकते हैं। आप नट वाले, बीज वाले जितनी भी सब्जियां हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि झंझनाहट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर कोई बीमारी की वजह से या बार बार आपको हो रहा है, तो इसके लिए आप जांच करवा सकते हैं, जांच में सब कुछ कंफर्म हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस के कारण जो आपके गर्दन की हड्डियां होती हैं, जो डिस्क होते हैं, तो उनमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है, रेजिडिटी हो जाती है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, या स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत चक्कर आता है, झंझनाहट भी आती है। तो झंझनाहट और चक्कर दोनों है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं गर्दन की प्रॉब्लम हो रही है, गर्दन की आपकी जो डिस्क है वो कहीं डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसे में भी आप अगर सीटी करा लेते हैं, सीटी स्कैन या MRI करा लेते हैं, तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसके कारण आपको ये झंझनाहट हो रहा है और किसके कारण आपको ऐसे चक्कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं, तो तुरंत समझ जाएंगे, झंझनाहट को रोक लेंगे, आप इसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको न्यूरोपैथी, लॉन्ग न्यूरोपैथी में आप तब्दील नहीं कर सकते।
आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। और जो साधारण मैंने बताया कि ये तो लगभग लगभग सबको होता है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में अपने घर पे। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना तो जरूरी है, क्योंकि जब हमारे मसल्स स्ट्रांग रहेंगे तभी सारे काम होंगे। क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम अपना होता है, लेकिन मसल्स का काम अपना होता है, और इन मसल्स के स्ट्रांगनेस से ही सारे हमारे सिस्टम काम करते हैं। तो मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, या आप ऐसे प्रॉब्लम से घिरे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमें झुंझुनी क्यों पड़ जाती है, तो आज तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और शेयर उनको भी कर दें। बहुत सारे लोग झुंझुनी से परेशान होते हैं, तो वो भी अपने घर में इलाज कर ले। इनको अलग से कोई दवा या डॉक्टर को दिखाने की तुरंत जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक होता है, तो दोस्तों फिर मैं एक बार कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न कर लें, एक बार दिखा लें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।